तो सच बताओ ना, बचपन से लेके अभी तक मेरा लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आए हैं और बहुत अच्छे अच्छे आए हैं मेरे लाइफ में। दीदी भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ बचपन से मेरे को छोटे से रखे थे। दीदी भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा करते थे मेरे को शुरू से, और अभी तक भी, अभी भी आती हूँ तो भेजना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या घर भी जाना पड़ जाता है, तो हर जगह ना मेरे को घर वाला फीलिंग होता है। तो मैं जब कभी भी मेरे को टाइम मिलता है या फ्री रहती हूँ तो मैं ज़रूर सब लोग के पास आती हूँ, सब लोग के पास। और भी जगह जाना है तो आप सबको ज़रूर बताऊँगी, वो सब भी जगह ज़रूर दिखाऊँगी। हाँ तो अभी तो चलते हैं नीचे, बहुत ज़्यादा पेट्रोल लियो। चलो बिट्टू आ जाओ, लियो आ जाओ। आ रहा है पीछे, छोड़ ही नहीं रहा है मेरे को, जब से आई हूँ एकदम खड़ा हो गया है। अभी मैं रुकी ना, दरवाजा बंद करने के लिए खड़े हो गया। चलो आ रही हूँ, चलते हैं नीचे ना। दीदी लोग का घर बहुत सुंदर है, मैं दीदी लोग का होम टूर ब्लॉग बनाऊंगी। ऐसे तो ऐसे आप लोग भी बना सकते हैं या घरों को ऐसे रख सकते हैं, बहुत सुंदर से रखती है दीदी घर को। छत से आएंगे तो कुछ ऐसे है। तो घर से निकलते के साथ में ये वाला मेरे को बहुत सुंदर लगता है दीदी लोगों का। पहले इधर टाइल्स नहीं था, अभी तो टाइल्स लगवा लिए। दोस्त कभी भी आगे पीछे होता है। मेरा पैर के पास आप एकदम आके बैठ गया। लियो तो मैं यहाँ आती हूँ ना तो हम लोग का बदमाशी हमेशा चलते रहता है, और हम वही ना, हम लोग को बहुत ज़्यादा फोटोशूट चल रहा है। दीदी पिंकी मैं बहुत ज़्यादा फोटोशूट कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे मौका बहुत कम मिलता है हम लोग को, इसलिए जितना हो सके एंजॉय करते हैं हम लोग। दीदी हाय कह दे तुम्हारा चैनल। तो थोड़ा खेल लेते हैं फोटोशूट, क्योंकि मैं अभी थोड़ा चली जाऊँगी, बुआ लंग के पास भी जाना है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग खेल लेते हैं फोटो शूट। ये मेरा लियो बिट्टू है। बहुत प्यारा है ना। कल मैं आप सबको बताई थी। तो ऐसे ही है दीदी का घर। कैसे लग रहा है आप सबको? ऐसे सब भी रख सकते हैं, बनवा सकते हैं। कैसे लगा कमेंट करके बताइएगा, और थोड़ा बहुत आइडिया भी ले सकते हैं कैसे रखना है क्या करना है। और दीदी ना बहुत ज़्यादा सफाई मंत्री हैं, बहुत ज़्यादा साफ सफाई से रखते हैं, और उन्हीं की वजह से लगता है कि मेरे ऊपर थोड़ा बहुत गुण आया है दीदी का। मैं भी थोड़ा बहुत सफाई से रखती हूँ घर वर को। क्योंकि दीदी ना सफाई तो थोड़ा सा भी कचरा लगे एकदम झाड़ू करते रहेंगे, तो दीदी की वजह से मैं भी थोड़ा सा सफाई सीख गई हूँ। तो यही है दीदी, यही था बस। और दीदी बहुत अच्छे से सब चीज़ों को समझते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली रहते हैं, इसलिए बहुत अच्छा लगता है मेरे को यहाँ। तो मैं चिड़वा से मेरा लियो बिट्टू को बाय बोलते हैं, और दीदी लोग को सब लोग को बाय बोलते हुए आ गई हूँ बंदर चुहा बुआ लोग के यहाँ जा रही हूँ। तो वहाँ से बस में आई, फिर अभी यहाँ से बस में जाना पड़ेगा, जो कि आ चुका है मेरा बस, देख सकते हैं सिल्की बस। और पहले बताती हूँ बाद में थोड़ी देर के बाद। तो फाइनली बस मिल गई है और मैं सीट में बैठ गई हूँ, और ऐसे बहुत सारे बातें हैं जो मेरे पास सबको बताना है, तो फिलहाल तो उतर लेती हूँ, उसके बाद बताऊँगी। अभी थोड़ा बात हुई थी चल रहा है अगल बगल में, तो ज़्यादा बात नहीं कर सकती, चलते हैं जुम्मे के ला। तो फाइनली बस से उतर चुकी हूँ, और यहाँ पे देख सकते पूरा सन्नाटा है, पूरा
पूरा सन्नाटा ही आसपास, और आगे उधर बस्ती साइड से जाती हूँ तो बहुत लंबा पड़ता, इसलिए मैं यहीं उतरती हूँ। फिर आगे है बस्ती बुआलम का घर, तो चलते हैं पैदल, और मैं किसी को नहीं बताई हूँ, सरप्राइज है। तो थोड़ा सा तो बुआ को पता है कि मैं आऊँगी करके, क्योंकि कासबल गई थी काम से, तो बुआ भी बोली कि सब काम करा लो फिर आना करके, मेरा काम था, मेरा सारा पढ़ाई इधर से ही हुआ है ना, तो मेरा जो भी काम होता है इधर से ही होता है। और एक चीज़ ना बहुत अच्छा है मेरे साथ, इधर मैं आती हूँ काम कराने के लिए, और ना इधर ही मेरे जितने भी बुआ लोग हैं ना सब कोई सीजी में ही है, तो मैं इधर काम के ज़रिए आती हूँ, फिर सब लोग से मिल भी लेती हूँ बुआ लोग से, तो ये चीज़ बहुत अच्छा है। तो चाहती हूँ इतना सन्नाटा में ना, लेकिन कुछ नहीं लगता है, चलिए आगे बताती, फिलहाल तो उतर लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा ठंडा जैसे। तो यही बताने वाली थी कि अभी तक कभी नई स्थिति परिस्थिति ना साथ ही नहीं देता है यार, वहाँ पे भी चेड़वा दीदी के यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे होते हैं सबके वहाँ पे। और जहाँ तक मैं वहीं रहने वाली थी, पूरा क्या बोलना चाहिए, छोटे से तो थी ही दीदी के पास में, तीसरी क्लास पास करके गई थी या दूसरी क्लास पास करके गई थी, वहीं पर थी और वहीं पर रहने वाली थी मैं दीदी के पास ही। लेकिन बोलते हैं ना कभी घर का स्थिति सब साथ नहीं देता है, तो उसी की वजह से जैसे मैं 12th कंप्लीट की वैसे ही भैया का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, मेरे थर्ड नंबर वाले भैया का, अभी नहीं है, उनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, जिसके वजह से कोई एक को घर में बैठना था, तो दोनों दीदी तो बाहर थे, तो बची मैं, तो मेरे को घर में बैठना पड़ा, जिसकी वजह से मैं चेड़वा में भी नहीं रही, और मेरा जैसे 12th कंप्लीट की थी वैसे ही भैया का तबीयत ख़राब हो रहा था उससे पहले से ही, लेकिन जैसे मेरा 12th का रिजल्ट आया तो जो भैया बीमार थे उन्हीं को पूछी मैं कि मेरे को पढ़ाई करने का मन है भैया, पढ़ो क्या करके, तो भैया बोले हाँ तेरे को मन है पढ़ाई कर करके, तो साथ में पढ़ाई भी कर रही थी, यहीं कासाबल से ही थी मैं, कासाबल से ही मेरा कॉलेज हुआ है, कासाबल कॉलेज में एडमिशन ली, क्योंकि सारा चीज़ मेरा इधर का ही है तो मैं इधर ही ले लेती हूँ एडमिशन करके, फिर ली। उसके बाद भैया को हॉस्पिटल लिए थे और भैया का तबीयत कभी ठीक ही नहीं रहता था, तो उस वजह से हम लोग ना दादी के साथ, दादी मैं और भैया तीनों ना यहाँ बुआ के यहाँ रहा करते थे जब मैं फर्स्ट ईयर में रहती थी, तो मेरे को डेली अप डाउन करना पड़ता था, डेली तो नहीं लेकिन जब कभी भी भैया का तबीयत ठीक रहता था जैसे लगता था, तो मैं हमेशा कॉलेज चली जाती थी ऐसे ही, यहीं से फर्स्ट ईयर मेरा पूरा कंप्लीट हुआ है, तो हमेशा मेरे को अप डाउन करना पड़ता था, यहाँ से जाती थी बंदरचुआ, डबल बस चेंज करना पड़ता था, यहाँ से जाती थी बंदरचुआ, बंदरचुआ से फिर कासाबेल ऐसे ही, फिर ना हमेशा कॉलेज से भाग भाग के, क्योंकि यहाँ पे बंदरचुआ में टाइमली बस मिलता है ना आने के लिए, तो हमेशा कॉलेज से भाग भाग के मतलब 3 बजे निकलना होता था कॉलेज से, फिर निकलती थी फिर 3:30 बजे तक बस बस स्टैंड पहुँचती थी, पैदल आती थी, बहुत दूर है वहाँ से बस स्टैंड से कॉलेज, तो फिर पैदल आती थी, फिर 3:30 बजे मेरे को मिलता था बस, फिर वहाँ से आती थी, फिर बंदरचुआ में चेंज करती थी, फिर बंदरचुआ से चेंज करने के बाद में इधर, तो मेरे को आदत हो गया है, आप सब देख सकते हैं कि पूरा सन्नाटा रास्ता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आदत हो गया है मेरे को यहाँ पे, अभी मेरे को जाना उधर तभी ये सन्नाटा, तो फिर बहुत उतार चढ़ाव रहा है मेरा लाइफ बचपन से बहुत ज़्यादा, बोली थी कि काम हो जाएगा तो आऊँगी करके, लेकिन नहीं बताई थी कब आऊँगी करके, तो जा रही हुआ कि हाँ, तो चलिए मिलते हैं जाने के बाद में, और ऐसे ही रहा है मेरा लाइफ, क्या ही बताऊँ मेरे लाइफ के बारे में, बहुत अजीब भी लगता है कभी कभी सोचती हूँ तो, लेकिन ना जैसे भी
लेकिन एक चीज बहुत अच्छा हुआ है मेरे साथ, भले जैसे भी उतार चढ़ाव हुआ है मेरे लाइफ में, लेकिन जिनसे भी जुड़ी हूँ मैं, जिन किन्हीं से भी जुड़ी हूँ, सबके हमेशा मेरे को सपोर्ट करते हैं, क्यों ना मैं वहाँ हूँ या ना, अभी तक मेरे को सबको सपोर्ट करते हैं। चढ़वा दीदी भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे से होते हैं सब कोई, और सब कोई मेरे को बहुत ज़्यादा समझते हैं, मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। मेरे फैमिली वाले सब कोई समझते हैं, जितने भी मेरे से जुड़े हैं सब कोई समझते हैं, तो ये चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी भी मेरे को कभी भी कुछ भी काम पड़ता है, अभी मेरे को बैंक का काम कराना पड़ता है तो मेरे को आना पड़ा यहाँ छत्तीसगढ़ का, मेरा सारा यहीं से है कॉलेज की वजह से, तो यहीं पर आना पड़ता है। तो फिर ये नहीं कि हाँ घूम रही है, ऐसा बिल्कुल भी काम है तो सब कोई समझते हैं। और मेरे जितने भी फ्रेंड्स सर्कल मेरे फ्रेंड हैं, सब कोई जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं सब कोई इधर ही है, तो फिर इधर ही जाना वाला था कि मेरे चलते हैं, मेरा मन तो कहीं खत्म नहीं लगे रहता है, तो चलते हैं और देखते हैं सब का क्या रिएक्शन होता है। मेरी प्यारी सी क्यूटी पाई गुड़िया भी आई है, जो कि बहुत सालों के बाद आई है, और सर पहली बार इतना लंबा रुक रही है, वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। चलते हैं और मिलते हैं और आप सबको भी दिखाती हूँ। यहाँ के मामूलों का ढाबा तो देखो कितना बड़ा बड़ा है यार। तो फाइनली मैं घुस रही हूँ बस्ती, पूरे 1.5 साल के बाद। तो यहाँ मेरा पूरा कॉलेज फर्स्ट ईयर बीता है,